हाई एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मैं हूं श्वेता एंड आज का जो वीडियो है वो है बेस्ट ऑफ मास कॉस्मेटिक्स। नाउ ये वीडियो किसी भी तरीके से कोलैबोरेशन में नहीं है, ना ही बार्टर, ना ही पेड स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये। द ओनली थॉट बिहाइंड दिस वीडियो इज कि मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ वो प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करूँ जो कि टॉप नॉच क्वालिटी के हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। आई एम ट्राइंग कि मेरे जो चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं अफोर्डेबल एंड ड्रग स्टोर मेकअप की बात करूँ इंस्टेड ऑफ वेरी हाई एंड मेकअप, बिकॉज आई वॉन्ट कि जो मेकअप है वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो। आई ऑल्सो वॉन्ट कि जो मीडियोकर रेंज, जो मिड रेंज वाला जो मेकअप है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो मार्स एक ऐसा ब्रांड है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स बना रहा है विद इन अ बजट। आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस रियली लॉन्ग। कुछ चीज़ें ऐसी है जो रिसेंटली परचेज है, कुछ काफ़ी टाइम से चल रही है जैसे कि मैंने बोला। सो इनफ ऑफ टॉकिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई ऑर्डर नहीं है, मैं रैंडमली पिक करने वाली हूँ। सो द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट इज अ मस्कारा। तो ये कुछ इस तरीके का मस्कारा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। द पैकेजिंग इज रियली गुड। सो प्राइस के साथ साथ पैकेजिंग भी मिल जाए, बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। सो इसका जो वॉन्ड है ये कुछ इस तरीके का है, काफ़ी थिक सा वॉन्ड है और आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ऐसे कर्वी सा वॉन्ड भी है, जिस वजह से ना आपके जो लैशेज हैं उनको अच्छी खासी वॉल्यूम एंड लेंथ दोनों मिल जाती है। इट इज़ वेरी इजी टू रिमूव। आई डोंट लाइक मस्काराज। मैंने ना कुछ मस्काराज खरीदे हैं जो वाटरप्रूफ है, वो निकलते ही नहीं है, मेरे सारे लैशेज टूट जाते हैं, एकदम ख़राब हो जाते हैं एंड आई डोंट लाइक दैट फीलिंग। सो आई गॉट दिस वन एंड ये बहुत ईजिली रिमूव हो जाता है, आपकी आई लैशेज को काफ़ी फ्लटरी सा इफेक्ट देता है एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। सारे जो भी लिंक्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, सो मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग इट आउट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड प्रोडक्ट इज एन आई शेडो पैलेट जो कि है मार्स जशन ए श्रृंगार। नाउ मैंने इस आई शेडो पैलेट को देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही कलरफुल सा था एंड ऑलमोस्ट सारे कलर्स इसमें मिल रहे थे। यहाँ पे सारे न्यूट्रल्स एंड पिंक्स हैं, यहाँ पे भी ब्राइट पिंक्स एंड ब्राइट कलर्स हैं एंड प्राइस देख के तो मज़ा ही आ गया। मुझे 499 रुपीज़ में मिली थी ये एंड आइडियली ये 599 की है, विच इज़ अगेन वेरी अफोर्डेबल फॉर दिस काइंड ऑफ पैलेट। इसका पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ। सो यू कैन सी कि कितना अच्छा पिगमेंटेशन है। मैं आपको शिमर ग्लिटर भी स्वॉच करके दिखाती हूँ, ब्यूटिफुल पिगमेंटेशन आप देख सकते हो। सो इट इज सच अ गुड प्रोडक्ट इन सच एन अफोर्डेबल प्राइस। सो आई थॉट कि हमको डेफिनेटली यू नो इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक अच्छा सा ढूंढ रहे हो ना कोई भी आई शेडो पैलेट बजट में, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, क्योंकि इसमें आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे। आप इसमें ग्लिटरी, मैट, स्मोकी, हर तरीके का आई लुक क्रिएट कर सकते हो एंड दीज आर नॉट चौकी, इसमें फॉल आउट नहीं है। हाउएवर मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ग्लिटर से काम कर रहे हो कभी भी, तो आप पहले आई मेकअप करो उसके बाद बेस मेकअप करो, क्योंकि ग्लिटर्स थोड़े बहुत तो गिरते ही हैं। कितने भी अच्छे ग्लिटर क्यों ना हो, ब्रांड्स लाइक लिट जो अच्छे ग्लिटर बनाते हैं इतने ज़्यादा हाई शाइन, वो भी गिरते हैं। आई हैव दैट एज वेल, आई विल शेयर इट इन अदर वीडियो। सो दिस इज द सेकेंड product that I will highly recommend. Now coming to the third product is a BB cream. So this is how it looks like. I totally love the packaging. I think Mars is killing with everything that they are doing. तो packaging बहुत अच्छी है। Now मुझे BB cream इसलिए पसंद है क्योंकि इसका formulation, texture is so beautiful. It blends in your skin. आप finger से इसको एकदम easily blend कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा shade range तो नहीं है एंड मेरा जो शेड है एक्चुअली कहीं मेंशन नहीं है, तो मैं अपने कार्ट में जाके वापस से ऑर्डर्स में जाके देखूंगी एंड मेंशन करूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। बट अगर आप एक अच्छी बीबी क्रीम ढूंढ रहे हो ना, सर्च एंड योर सर्च हियर, लाइक दिस इज द वन। लव इट, टोटली लव इट। खत्म होने को है, इसको रीपर्चेज डेफिनेटली करने वाली हूँ मैं। देन द नेक्स्ट इज अगेन माई फेवरेट लिप क्रेयॉन। सो आई एम अ लिक्विड लिपस्टिक गर्ल, आई डोंट लाइक बुलेट और क्रेयॉन लिपस्टिक, क्योंकि उन्हें टचअप करना पड़ता है एंड आई एम जस्ट टू लेजी टू डू दैट। तो मैंने फिर भी रिस्क लेके ना ये मंगवाई एंड आई लव्ड इट। मैंने कितनी यूज़ कर लिया आप देख सकते हो। इसको शार्पन करना पड़ता है एंड द बेस्ट थिंग ये शार्पनर के साथ आती है। अभी मेरे शार्पनर बहुत गंदा लग रहा है इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ यहाँ पे, बट ये एक अच्छे से सुंदर से ब्लैक शार्पनर के साथ आती है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट एंड द शेड इज अ परफेक्ट न्यूड फॉर इंडियन टोन्स। नाउ जैसे कि मैंने बोला कि मुझे ना क्रेयॉन लिपस्टिक नहीं पसंद है, बट आई लव दिस फॉर्मुलेशन। इट डजेंट गो अवे फ्रॉम योर लिप्स, आप इसे लगा लो, इट इज़ सो कम्फर्टेबल एंड ये बिल्कुल भी बज नहीं होता, स्मज नहीं होता। पिज्ज़ा भी खाती हूँ मैं, बट इतना ये फेड भी नहीं होता है
एंड दिस इज द शेड राइट हियर, हाईली रिकमेंडेड, खत्म हो जाएगी, गोइंग टू बाय दिस अगेन. देन द नेक्स्ट इज मेकअप फिक्सिंग स्प्रे, सील द डील मेकअप फिक्सर, वेरी वेरी हाइड्रेटिंग. इसका जो मिस्ट है बहुत फाइन है, बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके फेस पे, फील भी नहीं होता है एक्चुअली. काफी बार तो स्टार्टिंग में जब मैंने यूज किया तो फील ही नहीं होता फेस पे कुछ आ रहा है, बट आंखें खोली तो देखा पूरा फेस गीला हो चुका है. लव इट, लव द फिनिश, एंड आपके मेकअप को अच्छी तरीके से पूरा होल्ड करके रखता है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज सेटिंग पाउडर. सो ये सेटिंग पाउडर है, मैं इसको ओपन अभी नहीं करूंगी क्योंकि तोड़ दिया है मैंने, और मैं जैसे ओपन करती हूँ उड़ जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा सेटिंग पाउडर है. अगर आप बजट में कोई अच्छा सेटिंग पाउडर ढूंढ रहे हो टू सेट योर फेस, बेस, अंडर आई, बेकिंग, गो फॉर दिस वन. बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिश देता है, ब्लरी सा इफेक्ट देता है आपकी स्किन को, पोर्स को अच्छे से फिल कर देता है, लाइक आफ्टर मेकअप जो भी ऑयल लूज आउट होता है अच्छे से उसे सेट कर देता है. लव इट. देन द नेक्स्ट वन, ओके सो आई गॉट दिस वन फॉर फ्री. मैंने एक सर्टन अमाउंट की शॉपिंग की थी फ्रॉम मार्स की वेबसाइट, सो मुझे फ्री मिला था. अब देखने पर मुझे लगा कि चलो तीन न्यूड बुलेट लिपस्टिक्स आ गए हैं, वो तो नहीं पसंद है ज़्यादा, बट स्टिल आई थॉट कि अच्छा ही होगा फॉर्मुलेशन. सो आई ओपनड इट. बाय द वे आई लव थ्री ऑफ देम, लाइक ऑल थ्री ऑफ देम. ओपन करते हैं इसको. सो जब मैंने ओपन किया, सो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है, प्यारा है, अच्छा दिख रहा है, वेलवेटी मैट फिनिश है, एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू ओपन इट लाइक दिस. सो ओपन तो नहीं हुआ डेफिनेटली, बिकॉज ये बुलेट लिपस्टिक नहीं है. तो मैंने ट्विस्ट किया, एंड व्हेन आई ट्विस्टेड, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई लव्ड इट, आई लव द शेड्स. तीनों ही जो है ना, इट्स लाइक ब्राउन न्यूड, एक्चुअल जो न्यूड होता है, एंड देन पिंकिश न्यूड. तो आई थिंक दिस वन इज ब्राउनी न्यूड, एंड आई एम गोइंग टू स्वॉच इट फॉर यू. टर्न्स आउट कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट सा शेड लग रहा है नाउ. अब इतना ब्राइट तो मैं डायरेक्टली लगा भी सकती हूँ, नहीं भी लगा सकती हूँ. जिस दिन नहीं लगाना होगा उस दिन हल्का सा डैब डैब करके फिंगर से लगा लूँगी, बट इन रियल शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. सो अगर आपको पसंद है देन प्लीज़ गो फॉर इट. एनी वे मेरे को फ्री में मिला था तो अच्छा ही है फिर तो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट शेड, दिस वन. अच्छा, इनमें शेड नेम वगैरह बुलेट्स में लिखे नहीं है कहीं. सो दिस इज अ कूल टोन ब्राउन शेड, यू कैन सी दिस. ये ऊपर वाला जो दिखाया था मैंने वो वॉर्म टोन था क्रेयॉन, दिस इज कूल टोन. सिमिलर कुछ मैं लगा रखी हूँ, बट मेरा कीरो का है, बट ये थोड़ा और ज्यादा डार्क है इससे. एंड आई लव दिस कलर, आई एम गोइंग टू वेयर इट अ लॉट, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, आई लव दिस. अगर आपको बाहर सायरन की आवाज़ आ रही है तो आई एम सो सॉरी, आई थिंक कोई एम्बुलेंस जा रही है. सो लेट्स प्रे. एंड आई लव दिस कलर टू. ओ माय गॉड, आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट आई गॉट रियली गुड कलर्स. मेरे को अलग से लिपस्टिक नहीं खरीदनी पड़ेगी. दिस इज द लास्ट शेड. लव इट, लव इट. इट इज ब्राउन विथ अ हिंट ऑफ रेड. इट इज गोइंग टू लुक सो गुड इन द पार्टीज. एंड अगर आप कुछ भी नहीं लगाओगे फेस पे, जस्ट सनस्क्रीन, अ लिटिल ब्लश, एंड ये बहुत अच्छा लगेगा. लिक्विड ग्लिटर आई शेडो. एंड ये जो कलर है हल्का सा पिंकी टोन में है. यहाँ पे स्वॉच करती हूँ. कैन यू सी कितना अच्छा लग रहा है, लाइक ब्लाइंडिंग इट इज. एंड इट इज वन एंड डन आई शेडो. जिसको ना ज्यादा ताम झाम करने में मजा नहीं आता, बस लगाओ एंड हल्का हल्का डैप कर लो तो एक अच्छा सा स्कैटर्ड सा ग्लिटरी लुक हो जाएगा. जो नेक्स्ट है वो है ये आई शेडो पैलेट. अगेन ये भी मुझे फ्री मिली है, तो मैंने कुछ शॉपिंग की थी उसमें मेरे को वो लिपस्टिक का सेट एंड आई शेडो फ्री मिला है. एंड आई लव द कलर स्कीम. यहाँ पे भी ब्राइट कलर्स भी है फॉर येलो स्मोकी, लैवेंडर स्मोकी, पिंक स्मोकी, ब्राउन स्मोकी, देन ये कुछ डिफरेंट सा कलर है, देन वाइट, ऑरेंज फॉर बर्निंग हॉट ऑरेंज कुछ तो कर लूँगी, एंड देन लाइट ब्लू स्मोकी. काफ़ी अच्छे स्मोकी इफेक्ट्स इफेक्ट मैं क्रिएट कर सकती हूँ. सो लव दिस. लेट्स चेक द पिगमेंटेशन वंस. ओके सो ये रहे चारों शेड्स. इसमें से पर्पल को दो बार स्वॉच करना पड़ा टू गेट दिस पिगमेंटेशन, बाकी सारे एक स्वॉच में ही आ गए. लव इट, लव इट, लव इट. आई लव दिस वन, एंड आई एम एक्साइटेड कि मैं इससे काफी सारे लुक्स भी क्रिएट करूंगी एंड डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो तीन डुओक्रोम आई शेडो जो मार्स ने लॉन्च किए हैं, लव देम. मैंने ना पहले से ही लगा लिया, एंड हल्का सा ये वाला जो है आंखों पर लगाया भी है.
नाउ डुओक्रोम मतलब ये अलग अलग कलर्स के दिखेंगे ऑन डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स एंड लाइट्स. सो दिस इज द फर्स्ट वन. तो आप देख सकते हो यहाँ पे पिंक दिख रहा है एंड देन यू टर्न इट लाइक दिस एंड वो कॉपरिश ग्रीनिश सा हो जाता है. लेट्स चेक दिस, जस्ट लुक एट इट, इट इज सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल, लव इट. देन जो नेक्स्ट है वो है ग्रीन कलर. तो इसमें टू टाइप के ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन मुझे दिख रहा है एंड देन टील कलर मुझे दिख रहा है. सो हियर्स द गोल्डन लाइट ग्रीन एंड व्हेन यू मूव इट इट्स टील, दिस वे इट्स टील, इनसेनली पिगमेंटेड इजंट इट. इसके साथ भी कुछ ना कुछ हम लोग ना आई लुक करेंगे फ्यूचर में. देन द थर्ड वन इज दिस पर्पल एंड देन इट टर्न्स कॉपरिश ब्राउन. All three of them look stunning. Just look at the pigmentation. कितना मस्त color change कर रहे हैं ये. This is also one and done. लगा लो, हो गया. ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत ही नहीं है. So yeah, that is it for today's video. I hope that you enjoyed watching. कुछ अच्छा सा ढूंढ रहे हो तो description box में links है. Please go check it out. Channel को like, share, subscribe कर दीजिए and join our family. I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye.